नमस्कार, मेरा नाम शैलजा पांडे है और मैंने CSE 2020 में रैंक 61 सिक्योर की है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे अपना प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव करें। जब मैंने CSE 2018 लिखा था तब मेरी रैंक 266 थी। CSE 2020 में मेरी रैंक 61 इम्प्रूव हो गई। इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में था। शुरू करने से पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करूंगी। वट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। कई बार हमको सिखाया जाता है कि हमारी हैंडराइटिंग बस 10-12 ईयर्स तक ही इम्प्रूव हो सकती है, कि जैसे हम बड़े होते हैं अगर हम अनटाइडी लिखते हैं तो हम वैसा ही लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना प्रेजेंटेशन स्किल किसी भी एज में कॉन्शियस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज योर हैंडराइटिंग। उसमें सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्शियसली लिखना शुरू करें। जब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे नोट्स बनाती थी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अनटाइडी तरीके से लिखती थी, बट इस बार जब मैंने दोबारा से नोट्स बनाए तो मैंने बहुत ही सोच के, टाइम दे के ढंग से नोट्स बनाना शुरू किया। 2-3 मंथ्स बहुत कॉन्शियस तरीके से मैंने साफ साफ लिखा ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना दिए बिना भी मैं अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकूं। ऊप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। इसके सिवाय कुछ लोग 3-लाइनर नोटबुक्स, जो कि हम यूकेजी में यूज करते थे, उनको लेके भी अपने लेटर्स का कर्वेचर इम्प्रूव करते हैं। राइटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक ऑप्टिमम साइज भी डिसाइड करें। अगर हम बहुत बड़ा लिखेंगे तो स्पेस छोटा पड़ता है, क्योंकि हमको 10 मार्कर के लिए ऑलमोस्ट 2 पेजेस और 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस ही मिलते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एक ऑप्टिमम हैंडराइटिंग चूज करें। अगर आप बहुत छोटा लिखेंगे तो एग्जामिनर, जो कि कई बार काफी एजेड होते हैं, उनको भी वो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक सही साइज जरूर डिसाइड करें। इसके सिवाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हैं, जैसे कोई कैप्शन, पढ़े भारत बड़े भारत। इससे विजिबिलिटी और इम्प्रूव होगी। हैंडराइटिंग के बाद स्पेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने पेज में इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़िए, फिर जब आप हेडिंग लिखते हैं फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, हर एक पॉइंट के बाद आप फिर से थोड़ी स्पेस छोड़िए, और कंक्लूजन से पहले भी आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ही कंक्लूजन लिखें। इससे आपका आंसर का विजिबिलिटी बहुत इम्प्रूव होगा। हमेशा मार्जिन्स में लिखना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे बहुत बुरा इम्प्रेशन जाता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन कि डू नॉट राइट ऑन द मार्जिन को ही फॉलो नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे किस तरीके का बुलेट आप यूज करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखती थी तो मैं बस एक एरो जैसा बुलेट बना देती थी, जो कि बहुत अनटाइडी लगता था। उसके बाद मैंने मेन हेडिंग के लिए एक स्क्वायर शेप बुलेट और सब हेडिंग्स के लिए राउंड शेप बुलेट चूज किया, जो कि ज्यादा नीट लगता था। इसके साथ साथ आपको अपनी हेडिंग्स हमेशा बॉक्स में डालनी चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन भी करना चाहिए। आप अपना पूरा आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन का वेट ना कीजिए, बल्कि लिखते लिखते ही अंडरलाइन करने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन करने की सोचेंगे तो आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको सब कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक पेज में 4-5 चीजें भी अंडरलाइन की है तो उससे भी एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। इसके सिवाय आप बहुत सारे डायग्राम भी यूज कीजिए।
इसमें आप हमेशा अपने डायग्राम को भी एक बॉक्स में अंदर रखिए और कुछ डायग्राम्स जैसे कि इंडिया का मैप आप हमेशा हैंडी रखिए ताकि विद इन सेकेंड्स आप उसे बना सके। डायग्राम को हमेशा आप एक नंबर देना जैसे फिगर 1 और उसका हेडिंग बॉक्स के बाहर लिखना ना भूलें। अगर आपके पूरे आंसर शीट में बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट है तो एग्जामिनर को मोनोटोनस लग सकता है, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए आप जरूर डायग्रामेटिक ब्लॉक्स यूज कीजिए। जैसे अगर पोषण अभियान के टारगेट्स है तो उनको डायरेक्टली लिखने से अच्छा आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना के उनको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर किसी के प्रोज या कॉन्स है तो उसमें भी आप एक 4 जो नॉर्थ वेस्ट ग्रिड के जैसे है उसको बना के आप प्रोज कॉन्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन सी पेन यूज करते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग पायलट यूज करते हैं, कुछ लोग ट्राइमैक्स यूज करते हैं। इसमें भी कौन सा साइज ऑफ निब, अगर आपको V7 यूज करना है वो ज्यादा कंफर्टेबल है या V5 यूज करना है, कौन सी पेन आपके लिए ज्यादा लाइट है और उस पेन के साथ सस्टेन्ड प्रैक्टिस इवन वाइल मेकिंग नोट्स बहुत आपकी हेल्प करेगा। DKT UPSC CS, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको लर्निंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपको चीजें जो आपके सिलेबस में है स्पेशली स्टैटिक जैसे GS1 में सोसाइटी में रीजनलिज्म है, अगर आपको उसकी डेफिनेशन, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके एग्जाम्पल पहले से ही याद है तो आप फटाफट उसको अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। इसलिए जो चीजें आप याद कर सकते हैं उनको आप जरूर पहले से ही अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्जाम में आप फटाफट नीटली लिख सकें। और फाइनली मैं कहूंगी कि इसके लिए आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एवरीडे आंसर राइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months आप आंसर्स लिखिए और किसी से चेक कराइए ताकि आपको फीडबैक मिलते रहे। जब आप टेस्ट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन्स और मेन्स से पहले जब आप टेस्ट लिखते हैं तब भी आप उस प्रैक्टिस को करते हुए बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मे बी 12 टेस्ट, तो उससे आपको अपने आप ही कैसे फास्ट लिखना है, कैसे नीट लिखना है, फीडबैक से ओपिनियन लेके बहुत हेल्प मिल सकती है। आप टॉपर के जो पुराने आंसर बुकलेट्स है उनको भी जरूर देखिए, उससे भी आपको बहुत हिंट्स मिलेंगी कि आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड में मैं यही कहूंगी कि आपका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपका कंटेंट कितना ही ऑर्डिनरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन नीट है और अगर एग्जामिनर को वो पसंद आया तो जरूर आपको एक एज मिलेगा। इसलिए कॉन्शियसली आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी हैंडराइटिंग, अपना स्पेसिंग, अपना लर्निंग इम्प्रूव करें और बेटर मार्क्स लेके आए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।